श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज हम आपके लिए पौष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का एक विशेष उपाय लेकर आए हैं, जो कि दिन शनिवार को आ रही है। हम आपको बता दें कि इस दिन लंबे समय के बाद कृतिका नक्षत्र में शुक्ल योग के साथ साथ शुभ योग का मिलन होगा, जिसकी वजह से दिन बहुत ज़्यादा विशेष माना जा रहा है। तो आपने इस दिवस पर एक विशेष उपाय अवश्य कर लेना है। हमारे चैनल पर रोज ही 3 से 4 उपाय डालते हैं, आप अपनी समस्या तो एक विशेष उपाय दिन अवश्य कर लीजिएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके लिए उपाय लेकर आए हैं, ये आपके जीवन के संकटों से आपकी मुक्ति कराएगा। यदि आपके घर के सदस्य किसी ना किसी समस्या से परेशान रहते हैं तो अवश्य इस उपाय को कर लीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन में यदि नेगेटिविटी बहुत है, घर की नेगेटिविटी को भी यह उपाय दूर करता है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में रोगों की मुक्ति होगी। यदि घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता हो, आप स्वयं बीमार रहते हो, तो अवश्य इस उपाय को कर लीजिएगा। हम आपको बता दें, इस उपाय को करने से यदि आपके घर में कोई टूना टोटका होगा तो वो भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के इस उपाय को समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी को उपाय बताए जाते हैं, जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है, ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिनको इस वीडियो की जरूरत होगी वहां तक जरूर शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनके भी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके और आपकी भी। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलेगा, ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बिना किसी देरी के इस उपाय को समझ लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत होगी एक चुटकी काले तिल की। यदि आपके पास ज्यादा काले तिल के दाने हो तो आप वो भी ले सकते हो। इसके साथ ही आपको 7 लौंग लेने हैं, जो कि खंडित नहीं होने चाहिए, फूल वाले होने चाहिए, और साथ में आपको जरूरत होगी 5 काली मिर्च की। केवल इन सामग्री से आपने इस उपाय को करना है, किंतु याद रहे इस उपाय को आपने शाम के समय में सूर्यास्त के बाद ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपने इन सब सामग्रियों को अपने दाएं हाथ में रख लेना है और आपने पूरे घर में एक बार घूम लेना है। जब आपने पूरे घर में घूमना है, बाथरूम जैसी अशुद्ध स्थानों को आपने छोड़ देना है और आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का अपने जाप करते रहना है, किसी से बात नहीं करनी है। और उसके बाद आपने सीधे पहुंचाना है शिवालय, और वहां पर आपने अपना नाम, गोत्र, जीवन की समस्या कहते हुए आपने यह जो सामग्री है महादेव पर समर्पित कर देनी है। किंतु यदि आप ऐसे स्थान पर रहते हो जहां पर शाम के समय में महादेव पर सामग्री समर्पित नहीं करनी दी जाती, क्योंकि उनके ऊपर श्रृंगार कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में आपने इस सब सामग्री को चौखट पे समर्पित कर देना है। आप चाहो तो दाई ओर कर लो, आप चाहे तो बाई ओर कर ले। केवल इतना मात्र करने से आपके जीवन के संकट भी इसी तरह से समाप्त हो जाएंगे, जिस प्रकार से आपने महादेव पर इन सब सामग्रियों को समर्पित कर देना है। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कॉमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम लिखना ना भूलेगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियोज बनाने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।